This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के सत्तूर के पास एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई है और एक शख्स घायल हो गया है। बारबाडोस में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका आईसीसी T20 विश्व कप फाइनल मैच से पहले टीम इंडिया की जीत के लिए हवन पूजन और प्रार्थनाएं शुरू होने लग गई है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में हो रही है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। जदयू में एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। मुंबई में आज भी बीजेपी की कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। हैदराबाद में संयुक्त आंध्र प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मंत्री धर्मपुरी श्रीनिवास का आज सुबह 3 बजे दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए पहलगाम के नुनवास बेस कैंप में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री रवाना हुए। दिल्ली के हवाई अड्डे T1 पर छत गिरने की घटना पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरपू ने कहा कि दुख की बात है कि इस घटना में एक जान चली गई है। हम परिवार को 20 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देंगे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के विवाह पूर्व समारोह के हिस्से के रूप में 2 जुलाई को शाम 4:30 बजे पालघर के स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर में वंचितों के सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। कल वसंत विहार में एक निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में गिरे 3 मजदूरों में से एक का शव NDRF की टीम ने बाहर निकाला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। सीएम ने ट्वीट किया कि मैंने उन्हें मोदी 3.0 कैबिनेट में इनकी जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। गृहमंत्री अमित शाह 29 जून को हरियाणा दौरे पर रहेंगे। वह चुनावी तैयारियों की समीक्षा के साथ सांगठनिक मुद्दों पर प्रदेश इकाई के नेताओं से चर्चा करेंगे। सीबीआई 3 दिन के रिमांड के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शाम 7 बजे से पहले कोर्ट में पेश करेंगी। महाराष्ट्र में कल शिंदे सरकार ने बजट पेश किया है। इस बजट पर अब विपक्ष ने निशाना साधा और इसे आश्वासनों का पुलिंदा बताया है। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को पेश 2024-25 के बजट में महिलाओं, युवाओं और किसान समेत विभिन्न वर्गों के लिए कई लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा की है। मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग पर शुक्रवार की देर रात 11 बजे कार हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 से ज्यादा लोग गंभीर घायल है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने पहले भी कहा था और वो भी मंच पर कि उन्हें बजट समझ में नहीं आता है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उस पर कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। शिवसेना MP मिलिंद देवड़ा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में कहा कि मुझे पिता ने पार्टी के प्रति वफादारी से पहले देश के प्रति वफादारी सिखाया। महाराष्ट्र में बजट घोषणा पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एकनाथ शिंदे की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बजट ने राज्य के लोगों को निराश किया है। महाराष्ट्र बजट पेश करते हुए उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि मुंबई क्षेत्र के लिए डीजल पर कर 24% से घटाकर 21% किया जा रहा है, जिससे डीजल की कीमत में कमी आएगी। कल की फिल्म रिलीज हो गई है। पहले दिन फिल्म ने अपनी कमाई से सभी को सरप्राइज कर दिया, लेकिन दूसरे दिन इसका कलेक्शन काफी अच्छा नहीं रहा। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC न्यूज़। नमस्कार।